दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी औषधि लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से दुबले व्यक्ति का भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का वजन इतना कम होता है कि अगर उनकी फोटो निकाल ली जाए तो ऐसे लगेगा जैसे कि एक्सरे ही खींच लिया हो। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, उनके गाल भी पिचके से होते हैं और उनका शरीर भी बिल्कुल पतला सा दिखाई देता है। उन पे कपड़े भी नहीं जचते और वे खूबसूरत भी नहीं लगते। इस वजह से वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ना जाने कौन कौन सी डाइट लेते हैं, गलत तरीके से खान पान शुरू कर देते हैं, जिससे ना केवल उनका शरीर और खराब हो जाता है बल्कि कई सारी बीमारी भी अपने शरीर में पैदा कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको आज ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसकी मदद से आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने वजन को बहुत ही ज़्यादा आसानी से बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने आहार में हेल्दी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इससे भरे स्नैक्स को शामिल करें, जैसे कि प्रोटीन बार, पीनट बटर या फिर ह्यूमस आदि आते हैं। ढेर सारा भोजन एक साथ ना खाकर थोड़ा थोड़ा भोजन पूरे दिन में खाएं, इससे कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आपका वजन खुद ब खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में कैलोरी ज़्यादा जाएगी। अगर आप लोग जिम जा सकते हैं तो जिम जाएं, वहाँ पे एरोबिक करें, अपने को स्ट्रेच करें और वेट लिफ्टिंग भी अगर आप कर सकते हैं तो उसको भी आपको करनी चाहिए, इससे भी वजन बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, वेट बढ़ाने के लिए यानी कि वजन को बढ़ाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बीन्स व प्रोटीन पाउडर, पीनट बटर और पीनट को स्टीक व चिकन व ट्यूना मछली के साथ भी खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह लोग जिनका वजन नहीं बढ़ता उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होती है, इसलिए आपको रोजाना 1 कप दही का इस्तेमाल जरूर करना है। 1 कप दही के सेवन से आप अपनी पाचन शक्ति को बेहतर बना पाएंगे, जिससे जो भी आप खाएंगे आपके शरीर में लगेगा और आप खुद ब खुद ही मोटा होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की जानकारी जिसमें आपने जाना पतले दुबले शरीर भी कैसे मोटा किया जा सकता है। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।